फ्रेंड्स, मधुज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला मूंगफली। ये बहुत ही चटपटी और क्रिस्पी रेसिपी है। इसे बनाने में मात्र 2 मिनट का समय लगा है। इसे आप होली में बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। इसे आप एयर टाइट डब्बे में रख लें और महीनों तक खा सकते हैं। तो चलिए इस चटपटी मसाला मूंगफली को बनाना शुरू करते हैं। मसाला मूंगफली बनाने के लिए हमने 1 कप मूंगफली का दाना लिया है। इसमें 1/4 कप बेसन डालेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे। ये तीखा नहीं होता है, इससे सिर्फ कलर आएगा। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें। 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे। इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी बहुत ही थोड़ा डालें। पानी हमें उतना ही डालना है जिससे ये मसाले और बेसन अच्छी तरह से मूंगफली में कोट हो जाएं। अगर आपने ज़्यादा पानी डाल दिया और ये गीला हो जाएगा तो तलते समय मूंगफली अलग होने लगेगा और मसाले अलग होने लगेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें, पानी बहुत ही थोड़ा सा डालें। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। गैस पे कढ़ाई रखा है, तेल भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें मूंगफली के 1-1 दाने डालेंगे। एक साथ आप ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ये मूंगफली एक दूसरे से चिपकने लगेगा। तो 1-1 करके डालें। कढ़ाई में जितना आ जाएगा उतना डालेंगे और इसे बीच बीच में पलटते रहेंगे। तेल गर्म होने के बाद मैंने गैस का फ्लेम मीडियम लो पे कर दिया था और इसे लो फ्लेम पे ही तलेंगे। आपने अगर हाई फ्लेम कर दिया तो ये मूंगफली जल जाएंगे। इसे तलने में 1.5 से 2 मिनट लगेगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया है। इसे तलने में हमें 2 मिनट का समय लगा है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से जो मूंगफली बचा हुआ है उसे भी ऐसे ही तल लेंगे। तो मैंने ये सारी मूंगफली तल लिया है। अब इसमें 1/2 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। आप इसका साउंड सुन सकते हैं, कितना क्रिस्पी बना है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो हमारा ये मसाला मूंगफली बनके तैयार है। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे हम आपके लिए ऐसी ही रेसिपी लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।